नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमें इनको बराबर सिद्ध करना है। यह है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 इंटू सीकेंट ए। बच्चों, हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सबसे पहले दो हरे अलग अलग हरे हैं, इनका लघुत्तम लेंगे हम। तो इनका जो लघुत्तम बनेगा वह बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पहाड़े में तो आएंगी नहीं, इसलिए इनका लघुत्तम बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस पूरे लघुत्तम से जब इसको भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए से 1 प्लस साइन ए को भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कॉस ए। कॉस ए को ऊपर कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। इसी प्रकार बच्चों, इस पूरे लघुत्तम को जब कॉस ए यानी दूसरी हर से भाग करेंगे, 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए को कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए ऊपर से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको इसे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए, हमारे पास हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड शुरू की है, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए ये लिखा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए बटा नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आइए हम इसे हल करते हैं बच्चों। देखिए, यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, एक ये है 1, ये है 2 साइन ए बटा कॉस ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए। अब बच्चों 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी बच्चों ये देखिए यहां पे 1 प्लस साइन ए भी था इसके साथ, कॉस ए के साथ 1 प्लस साइन ए, इसको मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। इसी प्रकार से यहां पर भी ये 1 प्लस साइन ए है हर में, तो ऊपर देखिए 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन, तो बाकी यहां से बच गया 2 में से 2 कॉमन तो बाकी बच गया 1, 2 साइन ए में से 2 कॉमन तो बाकी रह गया साइन ए बटा कॉस ए गुना 1 प्लस साइन ए। यहां 1 प्लस साइन ए पहले लिखा है बाद में लिख दिया, एक ही बात है बच्चों, गुना हो रहे हैं आपस में तो पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। अब आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये 1 प्लस साइन ए वाली पूरी ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए वाली पूरी ब्रैकेट से कट जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा 2 बटा कॉस ए। बटा कॉस ए को मैं लिख सकता हूं गुना 1 बटा कॉस ए, ठीक है ना, 1 बटा कॉस ए। और बच्चों 1 बटा कॉस ए होता है सीकेंट ए, तो हमारे पास आ गया 2 सीकेंट ए। तो देखिए लेफ्ट राइट साइड क्या थी, मैं अभी आपको दिखाता हूं, राइट साइड थी 2 सीकेंट ए, और देखिए हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आई है 2 सीकेंट ए, यानी कि यह राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अतः सिद्ध हुआ। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध किया है।
ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लघुत्तम लेके हमने इसको हल किया, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते गए, तो यह है 2 secant ए यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो इस प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।